डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। चीन सीमा विवाद में 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सच क्या है, क्या हुआ है, उस बारे में बताना जरूरी है। एक साथ 20 जवानों का मारा जाना चीन के बॉर्डर पर, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। भारत और चीन के बीच काफी दिनों से लद्दाख सीमा पर चल रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। लद्दाख में सेना को खुली छूट दी गई है और बातचीत रोक दी गई है। अब कमांडर मौके पर फैसला ले सकेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।